हाँ दीपक भाई, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो सो वी कैन गेट लिटिल बिट इन। वीडियो चालू करो। दिख हाँ रही है? यस ब्रदर, यस ब्रदर। ओके तो थैंक्स फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो चलो ना। चलो सो पहला सवाल, हाउ मच वी नीड टू एक्सप्लोर आउटसाइड फॉर द क्वेश्चंस, सीसी क्वेश्चंस। तो सीसी क्वेश्चंस के लिए ना मेजरली वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। आई थिंक कैन आई स्पीक इन हिंदी एज वेल, विल यस यस ब्रो, यू इट बी फाइन? या तो सबसे पहले तो ना आप कॉन्सेप्ट पे होल्ड और कमांड रखो, और फिर उसके बाद टाइम बचता है तो फिर एमसीक्यू उसके ऊपर जाओ। जैसे अगर 100% हम लोग टाइम आवाज नहीं कंसिडर आ रही? करेंगे ना। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही आ है रही भाई, है, आ रही है आ भाई। रही है आवाज। यस बॉस। आ रही है क्या? क्लियर यस 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 आ रही है ना आवाज? यस तो जैसे भी 100% है ना, तो आपका 90% टाइम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाना चाहिए, और 10% जो है बचा हुआ वो एमसीक्यूज के ऊपर जाना चाहिए। और ये जो 90% वाला टाइम है वो फ्रेश वाला होना चाहिए, और जो 10% है शाम को वगैरह जैसे कि पूरा थक गए दिन भर, तो फिर एमसीक्यूज लेके बैठो। ओके ब्रदर। एमसीक्यूज को प्रायोरिटी रखो, कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी में रखो। इससे दो क्यों ना इंटरव्यू में फायदा होगा आपका, और कॉन्सेप्ट्स के टच में रहोगे। ओके एंड वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, सनबीम नोट्स आर इनफ फॉर सीसी और नीड टू एक्सप्लोर मोर? इफ सो प्लीज पुट सम लाइट ऑन दैट। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों को बाहर से पूछ रहे होंगे ना, हम लोगों को नोट्स दो करके, सनबीम वाले आपके फ्रेंड्स जो एक्स में है या फिर कहीं पर भी हैं। यस एटलीस्ट हम लोग के टाइम पे तो पूछते थे, बहुत हद से ज्यादा डिमांड, सबसे जो डिमांडिंग नोट्स रहते हैं वो सनबीम के ही रहते हैं। तो फिर आप लोग क्यों बाहर जा रहे हो, है ना? मोर देन सफिशियंट रहते हैं वो नोट्स, उस पर फोकस रखो। यस ब्रदर। अगर जो एक्स्ट्रा मैंने किया था ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने WPT के लिए एक्स्ट्रा किया था और .NET के लिए एक्स्ट्रा किया था। वो जो PPTs थी, शायद मैंने .NET के लिए सीडेक नोएडा या और WPT के लिए एक्स के लिए थे मैंने, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, है ना? ओके बाकी तो एडवांस जावा के लिए मधुर मैम आ रही, सुना? हाँ मधुर मैम आ रही है एडवांस तो जावा उसके के लिए लिए। ना प्रिपेयर्ड रहो, सर्वलेट्स वगैरह जो है ना उसके भी नोट्स सब एटलीस्ट मेरे पास जो है ना वो दे देता हूँ, तुम लोग पढ़ के रखना। यस ब्रदर। और वो और एक क्वेश्चन है, मतलब रिलेटेड, एनी स्ट्रैटेजी फॉर WPT और एंड SDM विद रिस्पेक्ट टू CC? SDM के लिए और किसके लिए बोला? WPT ना, WPT के लिए। WPT के लिए। WPT मतलब एक तो आता है आपका बेसिक HTML CSS, और फिर आता है नोड जेएस, मतलब इतने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, CSS, नोड, और फिर एक आता है रिएक्ट। फोर पार्ट्स में आपका डिवाइडेड रहेगा WPT के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये HTML के ऊपर रहेंगे, CSS, नोड और रिएक्ट, और शायद बूटस्ट्रैप भी है उसमें। ओके तो आप लोग को प्रिपरेशन बेसिक से इस सब के ऊपर रखना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे CSS के ऊपर रहेगा तो फिर वो टैग्स के ऊपर रहेगा कि स्टाइलिंग के लिए कौन सा यूज करोगे, और फिर HTML वगैरह के लिए रहेगा तो फिर वो कौन से टैग का क्या मतलब है ये सब पूछेंगे, डिव, फिर पी टैग का क्या मतलब है ये सब रहेगा। और नोड जेएस में बेसिकली फंक्शंस वगैरह दिया रहेगा आपको, कि वहां पर एक फंक्शन दिया आउटपुट क्या आएगा, जैसे जावा में आप लोगों ने किया रहेगा ना। और फिर रिएक्ट के ऊपर बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स, रेंडरिंग, क्लास कंपोनेंट्स, फिर क्लास और वो फंक्शनल कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस रहता है ये सब के ऊपर रहेगा। और बूटस्ट्रैप के ऊपर, वाई बूटस्ट्रैप, फिर जो फ्रेमवर्क के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, हम लोग क्यों CSS HTML छोड़ के बूटस्ट्रैप यूज करते हैं,
वो सब के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सब के लिए कहाँ से प्रिपेयर करोगे उस तो आप लोगों को कितना पढ़ाया है ये सब के बारे में? सफिशिएंट है क्या नोट्स? सर तो शायद प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज्यादा रखते हैं। हाँ पढ़ाया तो वैसे बहुत है, उन्होंने बाहर के भी थोड़े नोट्स दिए मतलब बुक्स रिलेटेड, मतलब हाँ मतलब सर ने मतलब वैसे ही नोट्स दिए सर ने जो टाइप किए सर के पहले वाले थे, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं जो सिखा रहे वही वही के नोट्स दे रहे, मतलब बाकी मॉड्यूल्स की तरह। इसलिए सर सर बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो कि काम आएगा आप लोगों को। ओके सौरभ को कुछ पूछना है? सौरभ जस्ट मेरा वीडियो वगैरह लैग तो नहीं हो रहा ना? नहीं 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 हाँ ठीक है। और एक दो क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं फॉर योर बैच? मेमोरी बेस्ड मतलब कैसे, जैसे अभी ओएस फॉर एग्जांपल अगर लेंगे तो ओएस टाइप ओएस तो यार हम लोग ऑलमोस्ट मैं ना उसका भी एक सैंपल है वो भेजता हूँ मैं, उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखो, ज्यादा इधर उधर मत कराओ। मुझे भी मतलब पिछले साल एंड टाइम पे मिला था तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो सैंपल क्वेश्चन से, आपको आइडिया लगेगा क्या पूछते हैं। बेसिकली सीडैक के जो क्वेश्चन रहते हैं ना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ही रहते हैं, ठीक है। तो और उसमें मेमोरी बेस्ड भी रहेंगे आप लोग के और लॉजिकल थिंकिंग वाले भी रहेंगे। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि सो एंड सो कंडीशन है तो आप लोग कौन सा अल्गोरिदम लगाओगे इसके लिए, शेड्यूलिंग अल्गोरिदम कौन सा लगाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। और ज्यादा ट्विस्टिंग वगैरह नहीं होती है क्वेश्चन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ओके और अगला सवाल कि हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी फॉर रिवीजन? रिवीजन के लिए अलग से टाइम रखो, असाइनमेंट्स रखो और थोड़ा थोड़ा जैसे भी आप लोग का जावा चल रहा है साथ में, ठीक है समझ लो कि जावा पढ़ रहे हो तो जावा के साथ साथ उसमें से कुछ टाइम आधा एक घंटा डीबीटी के लिए दो रिवीजन के लिए, या फिर ऐसा करो जावा की थियोरी पढ़ो डीबीटी के एमसीक्यू लगाओ। जैसे जावा पढ़ोगे ना आप तो फिर जावा के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, और जब जो 10% टाइम मैंने बोला आपको कि एमसीक्यूज के लिए रखो तो वो 10% टाइम में एमसीक्यूज सिर्फ जावा के ना करके आप पिछले जो टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं तो वैसा कर सकते हैं आपकी जावा के प्लस डीबीटी के, और जितना भी टाइम बचता है ना एमसीक्यूज के लिए उसमें मिक्स एमसीक्यू रखो। फिर उससे क्या ना आप लोग के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज भी होते रहेंगे और जो आगे का जो ट्रैक है जावा का जो मेन ट्रैक है वो भी आपका आगे बढ़ता रहेगा। ओके मतलब इन शॉर्ट अगर बता आगे का फ्लो है कॉन्सेप्ट पढ़ने का उसमें रखो, 10% टाइम में जो एमसीक्यूज वगैरह एक्स्ट्रा करने हैं और रिविजन वाला भी है ना उसी में इंक्लूड करो। इससे क्या है ना 90% टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। दिन का 90% मतलब बहुत ज्यादा हो गया ये टाइम, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे इतना ज्यादा टाइम देने से। ओके ब्रदर और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू क्लियर सीसी इन 50 डेज? सीसी इन 50 डेज just cover all the concepts which are taught in the class, that would be more than sufficient to clear the CC. मतलब कोई strategy? टॉप वगैरह करने का टारगेट मत रखो, जितना हो सकता है अपना 100% दो और कंपैरिजन अपने बाजू वाले से रखो, वो आप आइडियल ऐसे मत रखो कि 80% 90%। हम लोग के बैच का अलग था वो 80-90%, हम लोग के बैच का मत देखो, तुम लोग का अलग रहेगा क्योंकि तुम लोग के सब सिंसियरली दे रहे होंगे पेपर वहां पर। हाँ। आप लोग की टेस्टिंग होगी एक्चुअल टेस्टिंग, नॉलेज और वो मार्क्स के बीच में आप लोग का गैप जीरो रहेगा। हम लोग के बैच में ना वो गैप थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब अगर नॉलेज है ना अभी जैसे 84% है किसी बंदे का तो फिर 84% का आप ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि उसके पास 84% सीसी वाला नॉलेज भी है, लेकिन आप लोग के केस में जितना नॉलेज है उतना आपका परसेंटेज रिफ्लेक्ट करेगा उधर। सही और ये बात अभी उसको प्रिपेयर कैसे करना है ना 50 डेज में, तो एमसीक्यूज करोगे तो एमसीक्यूज के लिए टाइम आपको सफिशिएंट नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट्स करोगे ना तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपका टाइम खत्म होकर आपका इंटरव्यू के लिए भी टाइम बचेगा। लेकिन एमसीक्यूज करने बैठोगे ना तो जैसे अभी शुरुआत में अच्छा लगता है, आप एक दिन ट्राई करके देख लेना एमसीक्यूज करने के लिए,
आप जाओगे गूगल सर्च करोगे, थोड़े देर बाद ना वो सेचुरेशन लेवल आ जाता है। सेचुरेशन लेवल मतलब ना, आज तो कर लोगे आप इसलिए करोगे क्योंकि जो आपने पढ़ा है क्लास में, जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप एमसीक्यूज कर लोगे, लेकिन कल अगर जाओगे ना तो फिर आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है एमसीक्यू, तो मशीन वर्क हो जाएगा वो। उससे अच्छा कॉन्सेप्ट रखो और 10% टाइम एमसीक्यूज को दो। मेजरली अगर 50 डेज में प्रिपेयर करना है ना तो कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाऊंगा, ओके okay. और मार्क्स भी अच्छे आए, ऐसा नहीं है कि। ओके थैंक यू भाई. अब तो हमने जो क्वेश्चंस क्लियर किए थे वो खत्म हो चुके हैं. सो दोज यू आर हैविंग क्वेरीज दे कैन रेज एंड आई विल अनम्यूट देम वन बाय वन. ओके प्रणव. हेलो भाई. हाँ, बोलो। हाँ दीपक भाई, वो सनबीम का जो मॉक टेस्ट होता है बाद में कोर्स एंड कोर्स का टीचिंग होने के बाद, तो वो कितना यूजफुल होता है? हाँ यार, उसको सीरियसली दो, है ना, यूजफुल हो या ना हो उसको सीरियसली दो, क्योंकि ना उसको इस तरह से दो कि वो आपका फाइनल एग्जाम है और कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ दो उसको भी, मतलब वो भले ही वो टाइप ऑफ क्वेश्चन का आपका आइडिया लगेगा क्या उसे? हाँ सिमिलर रहेंगे क्वेश्चंस। हाँ ओके ओके थैंक यू. हम लोग को एटलीस्ट, मुझे तो बहुत फायदा किया था, क्योंकि ना देखो हम लोग का ना शायद 15 दिन पहले मॉक था, तो मैंने जो भी मॉक था बहुत सीरियसली दिया था, जो अपनी स्ट्रेटेजी सेट की थी ना रिवीजन की, या फिर जो शॉर्ट नोट्स निकाले थे। हाँ, और एक ना साथ में शॉर्ट नोट्स रखो, ठीक है तुम लोग, क्योंकि एक एक दिन का गैप रहता है, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल नहीं रहता है। जो मैंने शायद शेयर भी किए हैं शॉर्ट नोट्स मेरे, तो वो क्या है, शॉर्ट नोट्स उसको देखो और अपने शॉर्ट नोट अभी से बनाना स्टार्ट करो। तो जैसे भी जावा है ना आपका, तो जावा 10 पेज में होना चाहिए आपका, मतलब एक दिन पहले वो 10 पेज अगर पढ़ के जाओ तो फिर कल कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं मेरा पूरा सिलेबस कवर हुआ है। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है एग्जाम के समय, तो वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी काम करना अभी से स्टार्ट करो। और ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी ना कि मतलब आप सीसी का एग्जाम कैसे दोगे, उसका एक प्रैक्टिस करके एक मॉक में रखो, मतलब मॉक में भी आप उसी तरह से पढ़ो जैसे आप मॉक इसके फाइनल सीसी के लिए पढ़ने वाले हो। जैसे अभी आज पेपर है सीसी का, डब्ल्यूपीटी का पेपर है, तो कल बैठ के आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के पूरा कंप्लीट करके कल डब्ल्यूपीटी का पेपर दे के देखो कैसे होता है, रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, कि क्या कमजोरी है वो, फिर शॉर्ट नोट्स में वगैरह इंप्रूवमेंट करो उस हिसाब से। शॉर्ट नोट्स प्रायोरिटी पे रखो अभी से, है ना, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी पढ़ रहे हो शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलो, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में ना एक दिन में पूरा का पूरा जो 200-300 पेज की नोट्स रहेगी वो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। ये तो मेरे साथ तो हुआ था, बाकी बच्चों से ज्यादा मेरे पास कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे और मैं पढ़ के जाता था, मैं और आदित्य था, आदित्य ने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वो क्या अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग 10 पेज का पढ़ लिया और पूरा पूरा सिलेबस कवर होने का कॉन्फिडेंस। तो आप लोग भी ना वैसे शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। ओके ब्रदर. ओके सागर. सागर भाई आप बोल सकते हेलो। हाँ यस। हाँ दीपक, तो बात इसी थी कि हमारे देख एक दिन में दो पेपर है ना, तो पेपर के टाइम पे हाँ मॉड्यूल का कंप्लीट नहीं रहेगा, मॉड्यूल कैसे रहेंगे, मतलब एक दिन में कौन से मॉड्यूल रह सकते हैं, कुछ फिक्स रहता है अच्छा, कैसे? कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन हाँ पूछ रहे? तो हम हाँ लोग का जैसे ना जावा और ओएस का साथ में था, डीएस और कौन सा हम लोग का, एक तो जावा ओएस साथ में, फिर WPT और .NET साथ में था। ऑलमोस्ट तुम लोग का भी ना सिमिलर ही रहेगा पैटर्न, मतलब तो जो कॉम्बिनेशन रहेगा ना, मैं शेयर करता हूँ, शेयर में देखता हूँ अभी पास टाइम टेबल तो और एक था तो बात वो, थी, लेकिन अब हाँ देखता हूँ। और एक बात थी कि सैन फाउंड्री की है ना साइट है, वेबसाइट है, उसमें एमसीक्यू के लिए, तो वो हाँ ठीक है क्या प्रैक्टिस के लिए? अरे एक बार वो ना एमसीक्यू की क्वांटिटी देख लेना आप ना 2 दिन में, क्या बोल रहा हूँ, जो आप ना पहले तो एक स्ट्रेटेजी सेट करो कि आप कैसे पढ़ोगे, और फिर उस स्ट्रेटेजी के ऊपर 2 दिन काम करो। कि जैसे ना अभी मान लो मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ठीक है, डब्ल्यूपीटी के लिए, तो डब्ल्यूपीटी के लिए स्ट्रेटेजी में मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में लिया कि मैं डब्ल्यूपीटी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन में सैंड फोन जैसे करूंगा, ये मैंने पहले तो टारगेट सेट कर लिया। फिर उसके बाद ना ये आपकी स्ट्रेटेजी सेट हो गई, फिर आप एक बार ना उसको 2 दिन के लिए इम्प्लीमेंटेशन करके देखो,
तो मैंने सुबह से ना, अभी मान लो आज मैंने स्टार्ट किया, तो आज सुबह से मैं एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दिया सैंड फाउंड्री का। तो आज एक बार करो और कल एक बार करके एक बार देखो आउटपुट, 2 दिन का क्या आउटपुट आता है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और अगर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है तो फिर मेरी वाली स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर दो, कॉन्सेप्ट पे जाओ। आपकी एक बार स्ट्रेटेजी सेट करो, जैसे मैंने बोला आपको कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर 10% टाइम एमसीक्यूज के ऊपर दो, क्योंकि मेरे पास टेस्टेड है ये स्ट्रेटेजी। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, एक दिन उसके ऊपर सेट करो सीरियसली, सुबह से लेके शाम तक उस हिसाब से 10% 90% जो भी टाइम आप शेयर करोगे उसके ऊपर वर्क करो, और फिर दूसरे दिन कॉन्क्लूजन निकालो कि यार क्या कितने एफिशिएंसी आ रही है, और उसके ऊपर आपका सीसी निकल सकता है क्या। आप एक बार सेट करके देखो उसको। ओके भाई, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ना ऐसा रहेगा आप सोचते रहोगे फिर स्ट्रेटेजी क्या रखू क्या नहीं हो, तो उससे अच्छा ना एक बार सेट करो उसके ऊपर वर्क करो। एक दिन अगर पॉसिबल नहीं होता तो एटलीस्ट आधा दिन तो कम से कम उसके ऊपर वर्क करो, वो स्ट्रेटेजी के ऊपर, और फिर कंक्लूजन निकालो। अगर नहीं वर्क होती तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी एक बैकअप के लिए मेरी वाली स्ट्रेटेजी रखो, 90-10% वाली, ओके भाई, वो ओके, 80-20 वाला रूल है ना, वो वाला रखो अपने पास, एटी यस, परसेंट कॉन्सेप्ट और 20% एमसीक्यू, और सेग्रीगेटेड रहो है ना, सॉर्टेड रहो। कंफ्यूजन मुझे अभी भी कमेंट मिलते हैं ऑफिस में, अब तेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, कि मैं यही, अब उनको नहीं मालूम कि यार उन लोग क्या सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी कौन सी रखो, ये करो वो करो। मैं स्ट्रेटेजी सेट किया उसको एक दिन ट्राई करके देखता हूँ, उसमें क्या क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं वर्क नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आता है, फिर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर जो सिंपल वाली है उसके ऊपर आ जाते हैं, है ना। आप लोग भी वैसे ही करो, सॉर्टेड रहो पूरा, भले सिलेबस आपका कम कवर हो लेकिन क्वालिटी सिलेबस कवर होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ओके ब्रदर। भाई थोड़े चैट चैट में क्वेश्चन आए तो थोड़े वो क्वेश्चंस लेते हैं। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एज कोड स्निपेट्स इन केस ऑफ डीएसए जावा डॉट नेट कोड ये स्निपेट? उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 40%, मतलब उसकी लेवल भी हाई होती है क्या कोड स्निपेट्स की, या इजी वाला होता है जस्ट? 40% में 10% डिफिकल्ट वाले रहेंगे, 30% आपको सॉल्वेबल रहेंगे। अब क्वेश्चन के ओके लिए भी इसी ये इसी टाइप का रेशियो मान के चलो कि 80-80% क्वेश्चन इजी रहेंगे, जो 20% रहेंगे वो कॉम्पिटिटिव रहेंगे। और वो ना ढूंढने की आदत डालो है ना, उधर उधर जाके आप पहली बार डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखोगे है ना, तो पहले से आप डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, वो 10% जो टाइम है उसमें वो सब ढूंढो, कौन से क्वेश्चन आपको वहां पर छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम लिमिटेड रहता है, वो 1 घंटा कैसे निकल जाता है मालूम नहीं चलता है। तो कोड स्निपेट में पता चला बैठ गए, और फिर वो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर हर एक क्वेश्चन का एक ही मार्क मिलने वाला है, तो आप डिफिकल्ट करो इजी करो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसे हम लोग का जावा का था ना, तो जावा के इसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए थे, 4 या 5। तो जब हम लोग डिस्कशन के लिए बैठ गए ना उस दिन शाम को, तो बाकी लोग को ये मालूम चला कि मैंने वो क्वेश्चन देखे भी नहीं थे, रीड भी नहीं किए थे, वो जो बड़े वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ तो उन लोग बोल रहे थे कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। मैंने कहा यार मैंने तो पढ़ा भी नहीं था क्वेश्चन, उसका फायदा मेरे बाकी के क्वेश्चन ज्यादा हो गए। तो आप लोग ओके भी ये चीज को ध्यान में रखो, बड़ा क्वेश्चन अगर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना उसको स्किप करो, भले आसान हो डिफिकल्ट हो, आपका वो पढ़ने में 2 मिनट खाएगा वो, भले बाद में आपको आंसर इजीली दिख जाए लेकिन वो खाएगा ना टाइम पहले। यस ब्रदर। हाँ और एक क्वेश्चन है, जेक्वेरी और सेलेनियम जैसे टॉपिक्स एग्जाम में पूछते हैं क्या? इनका बेसिक कॉन्सेप्ट रखो, सेलेनियम किस लिए यूज होता है, टेस्टिंग के लिए यूज होता है, और जेक्यूरी के पूछते हैं। जेक्यूरी के ना मैं नोट्स देता हूँ, बहुत अच्छे नोट्स है मेरे पास, वो जो है ना मैं तो यार वो पढ़ाने वाले के ऊपर प्यार में फंस गया था मैं तो, मैंने कहा कितना बढ़िया पढ़ाया है। एक्स थे, एक्स के थे शायद मेरे पास नोट्स, ओके ओके बहुत अच्छे नोट्स है, और टाइम लिमिट में कवर होते हैं, और अपना शॉर्ट नोट्स निकालने का फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि बाद में ना मुझे मालूम है मेरे शॉर्ट नोट्स ही थे जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे एग्जाम में। क्योंकि एक दिन में 2 पेपर आप सोच लो कि कैसे पढ़ोगे आप, 200-300 पेजेस की नोटबुक, वो पलटने के लिए आपको 10-15 मिनट लगेंगे। यस ब्रदर। शॉर्ट नोट्स का ना मैं सैंपल अगर देखा दिखाना चाहूंगा, तो चलो तब तक भैया आप पूछो, तब तक तो मैं रेडी करता हूँ आप सर। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड ही कर दो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड ही कर दो आप अपने जो बनाए थे। प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने वो, नहीं आपने नहीं प्रोवाइड किए थे, आपने जस्ट मधुर एमएम का मतलब ये किया था प्रोवाइड, मे बी थोड़े से नोट्स।
मधुरा मैम के, और ना वो मैंने एक गूगल ड्राइव की लिंक शेयर की थी, शायद वो ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी थी मैंने ना, वो दिखाता हूँ। तब तक क्वेश्चन पूछो ना, तब तक मैं हाँ, सर्च कर रहा हूं। जो पूछना चाहते हैं वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो और कैमरा और जस्ट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यार नहीं, कैमरा वीडियो चालू करने की आदत डालो यार, वो काम आएगी उधर। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम रोहित, दैट कैन यू रैंक सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम इजी टू हार्ड, लाइक विच सब्जेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर सीसी, विच सब्जेक्ट्स कैन बी डन ड्यूरिंग 2 week ब्रेक जस्ट बिफोर सीसी। अच्छा, उस हिसाब से देखेंगे तो एक ही मिनट, पेन के दर्द दिया मैंने यार, ये नोट्स रखने की ना आदत रखो यार, देखो मेरे को इसके बिना नहीं चलता, मेरे सामने भी नोट्स, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ साथ साथ में ना, क्योंकि अलग ही रहता है अपना वो, तो उस हिसाब से देखेंगे ना। आप लोग के कौन से मॉड्यूल है पहले तो बताओ, एक तो जावा है, जावा फिर सेकेंड एडवांस जावा, थर्ड डॉट नेट, फोर्थ डी एस ए, फिफ्थ ओ एस, सिक्स्थ डब्ल्यू पी टी, सेवेंथ आपका आ जाएगा कौन सा बच गया अभी, SDM. SDM important, मेरा favorite topic था वो। Eight, कौन data, सा है अभी? Data structures बच गया। DSA एक लिख दिया ना, Java Advanced Java .NET, DBT बच गया। तो आपका क्या है वो 10 दिन का जो गैप मिलेगा उसमें कौन सा करना है और पहले कौन सा रेडी करके रखना है? हाँ। या 10 दिन के लिए ना कुछ रखो ही मत, मैं ट्रू सजेशन दो ना, तो 10 दिन के लिए कुछ रखो ही मत, क्योंकि वो 10 दिन के इतने प्रेशर वाले रहते हैं, कुछ होता नहीं है उसमें। और इसमें भी अगर स्टार्ट करोगे ना तो आप जावा स्टार्ट करो पहले, जावा स्टार्ट करके फिर डॉट नेट कम्प्लीट करो, जावा डॉट नेट सेकेंड प्रायोरिटी पे, और फिर थर्ड पे आप डीबीटी करो, फोर्थ पे डब्ल्यू पी टी, फिफ्थ पे एसडीएम, सिक्स्थ पे डीएसए, और लास्ट में सेवेंथ में ओएस करो। किसी ने नोट किया क्या प्रायोरिटी जो मैंने बोली? जावा पहले करो, जावा बोला था पहले, उसके बाद में डॉट नेट, उसके बाद में डीबीटी, उसके बाद में डब्ल्यूबीटी, उसके बाद में एसडीएम, फिर डीएसए, फिर ओएस। गुड, ऐसे करो यार, अपने काम की चीजें तो ना एटलीस्ट नोट्स करके रख लो तुरंत। वो रॉकेटरी मूवी देखी कि नहीं किसी ने? तुम लोग का तो फुल टेंशन में चल रहा होगा इसे के, चलो कोई नहीं चल रहा है। And question from Vijay, which one is scoring module according to you? Scoring module? Java DBT. Java scoring है, DBT scoring है, WPT 70-80% scoring है। WPT में आपके वो HTML CSS के tags पूछते हैं straight forward, वो और फिर DBT में भी queries पूछते हैं straight forward। पर ये ना ऐसे scoring modules में आप consider कर सकते हो। DSA को थोड़ा बी रेडी रहो, क्योंकि थोड़ा सा ना पेपर आता है अच्छा खासा, और एडवांस जावा का भी इजी आता है। एडवांस जावा के लिए प्रिपरेशन के लिए आप वो एक ये है, क्या नाम है यार, आप कौन से, आपका हुआ ही नहीं है ना, बेल्डंग करके है एक वेबसाइट, तो उसके ऊपर सही ढंग से दिया है कंटेंट उसका सारी चीजों का। Okay. और फिर डॉट नेट के लिए यार तैयारी रखो, फ्रेमवर्क वगैरह ना पूछते हैं उसमें। ओके विदर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ये सनबीम में एप्टीट्यूड लेक्चर की प्रेजेंटी, मतलब सीसी क्वालिफिकेशन के लिए कंसीडर करते हैं क्या? ना ना ना, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, वो सर का जो एक क्वेश्चन था मुझे पूछा था, वो चॉकलेट रैपर वाला। हाँ। के इंटरव्यू मुझे फाइनल इंटरव्यू में पूछा था वो। ओके ओके, तो मैंने भी अगर आप लोग के जैसे सोचा, मैं तो वैसे ही सोचता था, लेकिन मैंने क्या मेरे दिमाग में एक चलता था कि नहीं एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा, इसलिए मैं देखता था वो, मैं भी सीरियसली नहीं देखता था। लेकिन जब मुझे वो क्वेश्चन वहां पर पड़ा ना, तो फिर वो सर का हिंट मुझे
पजल वहां पर दे गया वो, है ना? वो, यस 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 हाँ, वो चॉकलेट रेपर का नाम सुनते ही फिर मैं समझ हाँ, गया सर के उसमें हाँ, भले पूरा लेक्चर काम नहीं आया, हाँ पूरा लेक्चर मेरे काम नहीं आया, लेकिन जो मेरे काम का था यार वो लाइफ सेटलमेंट का था, उस हिसाब से आप सोच लो, यस यस रिस्क मत लो, है ना? Okay, the question from Bhushan that you must refer that your previous year questions. So difficulty level is same or is getting changing? No, no, it will be same. Okay. See, don't forget that the faculty who is teaching you now will be setting your paper. There will be no other people coming and setting your paper. The faculty who are teaching you, they will be sending the questions to X and X will be selecting questions from those questions only. They are not going to create time, or they are not going to, and I think they will be taking questions from website as well. Okay. Hello. Yes. Yes, sir. Hello, Deepak bhai, आप कौन से site refer कर सकते हैं MCQ के लिए, बता सकते हो क्या? मतलब कौन से subject के लिए कौन सी site refer करें? गूगल गूगल पे डालो, अगर जैसे ना मैं अगर सर्च करता हूँ एमसीक्यूज ऑन एमवीसी आर्किटेक्चर, तो जो टॉप थ्री सजेशंस आएंगी गूगल की, उसको करो, क्योंकि गूगल गूगल को मालूम है कि कौन कितना ज्यादा रिफर करता है, तो जो टॉप सजेशंस आएंगे ना, क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, मतलब 50 या ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन करके क्या करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखो, ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे ना तो वो कॉन्सेप्ट के ही, एक कॉन्सेप्ट हजार क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर, जो भी लिमिटेड रहेंगे ना। मैंने तो यही स्ट्रेटेजी सेट की थी, अगर जैसे ना मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि यार बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं उसको सेग्रीगेट कैसे करूंगा, तो मैंने स्ट्रेटेजी कर रखी कि जो गूगल के ऊपर मैं अगर जो भी टॉपिक डालू, तो जो टॉप थ्री वेबसाइट्स के जो सजेशन आएंगे मैं उतना ही करूंगा, भले उसमें 100 क्वेश्चन रहे 10 क्वेश्चन रहे, मैंने तो ऐसे किया था, फिर आप देखो। और लेवल कैसा होता है, मतलब प्रीकेट का जैसे लेवल था उससे कई गुना ज्यादा होता है या वैसे ही नॉर्मली? मेरा एक क्वेश्चन का सैंपल बताता हूँ, डीबीटी का पूछा था वो, जो सीसी में, तो उन्होंने पूछा था कि डिलीट कैसे काम करता है, डिलीट ड्रॉप और वो ट्रंकेट रहता है ना, तो डिलीट कैसे काम करता है, और उसके चार ऑप्शन दिए थे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि डिलीट में क्या होता है, टेबल स्ट्रक्चर पूरा डिलीट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, बस वो जो रो और कॉलम है वो बस उतना ही डेटा डिलीट होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो मैं बोलता हूँ यार वहां पर दिक्कत नहीं होगी, अगर एमसीक्यू करके जाओगे ना तो दिक्कत होगी, आप खुद ट्राई करके देख लेना एक बार। यस, और ये ना स्ट्रेटेजी अभी ट्राई करके, ट्राई टेस्ट करके अभी फाइनलाइज करो, नहीं तो फिर पता चला एंड तक वही स्ट्रेटेजी सेट नहीं हुई और फिर वहां दिक्कत। मतलब क्रिकेट में कैसे हुआ था कि वो लोग एमसीक्यू भी लेते थे, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था क्रिकेट में। हाँ, और फिर आप इधर नहीं लेते हम लोग एमसीक्यू, तो आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ ना, अभी कंपनी में आओगे ना तो खुद को ये करना पड़ेगा सेग्रीगेट, नहीं तो क्या सामने वाला आपको पूरा समय खा लेगा वो, और टेंशन ना लगा जाएगा। यस भाई, सॉर्टेड रहो, पूरा एकदम सॉर्टेड रखना है, सॉर्टेड तब रहोगे जब आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे, और फिर या फिर उसको अप्रूव करोगे, नहीं तो रिजेक्ट करोगे उस स्ट्रेटेजी को। अप्रूव होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, रिजेक्ट होती है तो दूसरी स्ट्रेटेजी सेट करनी पड़ती है। ओके, we are having question from Shweta. What kind of questions are asked in DS data structure? DS के लिए क्या? मैं वो share करता हूँ वो sheet, उसके ऊपर देख लेना, है ना? Okay. और उसको confidential रखना, इधर उधर मत घुमाना जाता। Okay, भाई। दीपक भाई, आपके पास Java का कोई ऐसा snippet का collection है क्या? जो है 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 है। Please उसे share करिए। क्योंकि snippets स्निपेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मिल नहीं रहे और इंस्टीट्यूट ने भी प्रोवाइड नहीं की। क्वेश्चन पेपर का सैंपल एक मैं सेंड करूंगा और फिर दूसरी चीज है जो अभी आपने बोली वो स्निपेट्स वाला ना, स्निपेट्स जावा, स्निपेट्स जावा एडवांस है वो। हां हां, और ये ना एग्जाम वेदा करके एक है वेबसाइट, है ना, उस पे भी अच्छे क्वेश्चंस मिले थे, वो वैसे आपके टॉप सजेशन में ही आएगा वो। हां, तो टॉप 3 की स्ट्रेटजी लेके चलो,
क्या उस पर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि यार वो उसके ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ेंगे, और जो तीन सजेशन के नीचे रहेंगे उसके उसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे ना फर्स्ट थ्री के ही रिपीट होंगे, बाकी के जो नीचे सजेशन है मैंने एक्सप्लोर किया था, उतना तो विश्वास रख सकते हो आप। So, वो मॉक्स और सीसी के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितने दिन का? मॉक और सीसी यार वो शेड्यूल के ऊपर देखो, मैं भूल गया कितने पहले हुआ था हम लोग का है ना। ओके भाई याद नहीं एक्जेक्टली, शायद एक हफ्ते का था, शायद गैप एक या दो हफ्ते का गैप था। ओके ब्रदर नगमनी आस्किंग अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल योर डाउट। या हेलो, डब्ल्यूपीटी का जो मॉड्यूल है वो बहुत वास्ट है, लाइक उसमें एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, एक्सप्रेस है एंड जेक्वेरी है, सो किसमें कितना प्रायोरिटी देना चाहिए? लाइक फाइव सब्जेक्ट्स है एक ही सब्जेक्ट्स में, तो फिर वो थोड़ा सीसी के लिए कैसे सेग्रीगेट किए, या फिर एचटीएमएल को ज्यादा देना चाहिए, या फिर जेक्वेरी को जितना कैसे सेग्रीगेट करे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट करें डब्ल्यूपीटी में स्पेसिफिकली? इसका ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा सलूशन ये है कि मेरे पास ना नोट्स है उसके तीनों के, मैं तीनों शेयर करता हूँ, तीनों को इक्वल पर प्रायोरिटी से करूँ। तो क्या है ना, वो नोट्स में जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसका ज्यादा कंटेंट है, जिसकी कम प्रायोरिटी उसका कम कंटेंट है। आपको उतना ये नहीं रहेगा थिंकिंग में कि कौन सा किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे। एचटीएमएल जैसे एचटीएमएल सीएसएस है कम प्रायोरिटी, तो उसका कंटेंट भी कम है उसमें, पीपीटीज में सेंड करता हूँ है ना, भूल गया था इसके ऊपर ना। आप क्या करो, और एक तो प्रोजेक्ट का टेंशन आ रहा होगा आपको, प्रोजेक्ट का है ना, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको एक्सप्रेस ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं ये बोलूंगा कि एपीआई, एपीआई क्या होता है समझते हो आप? यस, जैसे मेरा कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर बुक्स की लिस्ट प्रिंट करनी है, तो स्लैश गेट ऑल बुक्स एपीआई है ना। तो आपकी जो 80% एपीआई जो है ना एक्सप्रेस पे रखो, जो 20% एपीआई जो बचती है उसमें 10% आप जावा के ऊपर रखो जो स्प्रिंग पढ़ाएंगे स्प्रिंग बूट, और 10% .NET के ऊपर रखो। उसके बाद कर लेना। और क्या पूछा था आपने एडवांस जावा के बारे में, जो अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? मैंने स्ट्रेटेजी कैसे रखना है, क्योंकि डेज बहुत कम है सीसी और एडवांस जावा का मॉड्यूल कम खत्म होगा, उसमें डिफरेंस बहुत कम है, बाकी के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना है और एडवांस जावा भी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इम्पोर्टेंट क्या, बाकी जैसे ही प्रायोरिटी रखो उसको भी, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक्सप्रेस पे है शायद मोस्टली, कि सबका रुका हुआ है प्रोजेक्ट अभी भी ऑलमोस्ट सीसी के वजह से रुका हुआ है। अरे तुम लोग एक्सप्रेस पे करो ना, एक्सप्रेस पे कंप्लीट करो उसको, 100% प्रोजेक्ट मर्न के ऊपर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जो 20% है ना उसको अलग से रखो। ओके, 20% और वो एडवांस जावा के लिए उतना सोचने की जरूरत नहीं है, एमवीसी आर्किटेक्चर वगैरह जो फिक्स टॉपिक्स है, जेडीबीसी हाइबरनेट जेडीबीसी मत उतना करो, जो स्प्रिंग बूट है स्प्रिंग बूट के फीचर्स, स्प्रिंग के फीचर्स ये सब देखो बस। इसके लिए ना और एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मालूम नहीं चल रहा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, उसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, तो वहां से आपको क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है वो मालूम चलेगा। ओके गाइस, ओनली 1 मिनट लेफ्ट, डू वी नीड वन मोर स्लॉट? Yes. Okay. Hand raise करो ना, जिसको चाहिए वो hand raise करो, उसकी quantity से हम लोगों को मालूम चल जाएगा। हाँ।
के बाद बहुत सारे लोगों को चाहिए, ठीक है ना? फिर सेकंड स्लॉट लिंक शेयर कर देना, मैं ज्वाइन करूंगा। यस यस यस, थैंक यू। दोज हु वांट दे कैन जॉइन सेकंड सेशन टू। यस।